गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द अनादर न्यू ब्लॉग। और अभी मैं कॉलेज में हूँ, जस्ट आया हूँ कॉलेज। अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30 बज रहे हैं और कॉलेज जस्ट पहुंचा हूँ। तो 3 दिनों से ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो आज वापस से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ नेटवर्किंग लैब में। तो ये हमारी नेटवर्किंग लैब है, आप पूरा देख सकते हो। तो ये नेटवर्किंग लैब में मैं अभी बैठा हुआ था और मेरे को कुछ पेपर्स वगैरह बनाने थे, तो वो बना करके मैं अभी सबमिट करवाने जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया था। और उसके बाद मेरी लैब है फाइनल ईयर वालों की, तो लैब लेंगे और लैब लेने के बाद मैं फ्री हूँ, तो उसके बाद चला जाऊंगा अपनी साइट पे। तो ये सारा कुछ आज रहने वाला है। और आज सोच रहा हूँ कि शाम को हम अपने घर के लिए जो हमें डोर्स वगैरह देखने हैं, तो वो देखने जाए। एक शोरूम का एड्रेस मेरे को मिला था, तो वहां पे देख उनके पास काफी ज्यादा वेराइटीज है तो ऑलरेडी बनी हुई, तो हम वहां पे देख लेंगे एक बार। कमेटी कोई डिजाइन वगैरह पसंद आ जाती है तो फिर वहां से परचेज करेंगे। तो ये आज का कुछ शेड्यूल रहने वाला है, तो जैसा भी होता है आपको दिखाएंगे। तो चलिए आप निकलते हैं अपना लैपटॉप और ताकि पेपर वगैरह बना पाऊं। तो ये रहा अपना बैग। यहाँ पीसीज अवेलेबल हैं, पर मैं अपने लैपटॉप पे ही काम करता हूँ ताकि कुछ भी डेटा वगैरह हो तो अपना एक लैपटॉप में सेव रहे। तो हमने चार्जर लगा दिया है। एक्चुअली क्या है ना कि इस लैपटॉप की हो रही है बैटरी थोड़ी खराब, तो उस वजह से मेरे को चेक करवानी है। तो ये केवल चार्जर जब लगाया जाता है तभी चलता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत थी। तो ये भी हम दिखवा देंगे, पर अभी तो अपना काम करते हैं। अभी मैं आया हुआ था यहाँ पे हॉस्पिटल, क्योंकि थोड़ी सर्दी और खांसी हो रही थी, तो उस वजह से दवाई लेने आया था। तो चलते हैं अभी अंदर। कुलदीप मेरा 28 रामपुरा, सर्दी और खांसी। हमने दवाई दिखवा ली थी अभी यहाँ से लेने की। दो दो चम्मच दिन में तीन बार, रात को एक गोली। तो मेडिसिन सब पर ने ले ली है, अब चलते हैं। जल्दी से काम निपट गया अपना, मतलब लाइन ज्यादा लंबी नहीं थी इसलिए फ्री हो गए जल्दी। और अभी चलते हैं साइट के, साइट पे जाना है मेरे को, खाना भी खाना था, सुबह केवल नाश्ता करके निकल गया था। तो अभी घर एक बार साइट पे जाऊंगा, वहां से मम्मी को लूंगा, फिर घर में जाके खाना खाएंगे। तो चलिए तो निकलते हैं जल्दी से, तो मिलते हैं अब सीधे साइट पे। तो आ गया हूँ मैं साइट पे, अभी चलते हैं साइट की तरफ। आज साइट पे भी बात हुई थी मेरी मम्मी से, तो उन्होंने यही कहा कि आज जो हैं वो पुट्टी वाले आए हैं और कारीगर आए हैं, बाकी जो बिसाई वाला है उसने आज छुट्टी मार ली है, तो वो नहीं आया। तो अंदर पुट्टी का वर्क किया है शायद ये यहाँ पे, और ये सब अभी जस्ट हुआ है ये वाला पोर्शन।
यहाँ पे शायद तक थोड़ा गीला होने की वजह से थोड़ा ये इस तरीके से दिख रहा है। चलो ऊपर देख के आते हैं, यहाँ तक तो हो गई है, अच्छी बात है। ये अब केवल ये ऊपर का पोर्शन बचा हुआ है, ऊपर जाके देखते हैं ऊपर क्या वर्क हुआ है। वो वहां थोड़ा सा टूट रहा था तो रिपेयर करवा दिया है। तो अभी मैं ऊपर देख करके आया हूँ और ये जो सामने की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये जो वेंट है इसको इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से साइड का जो भी बनाना था वो बना चुके हैं, वो देख सकते हो आप, अभी काम कर रहे हैं। तो ये हो गया है, पीछे वाला ओटीएस जो है वो बाकी है, इस ओटीएस का काम कंप्लीट हो गया है। वो ओटीएस और ऊपर एक छत का जो है, वो छत पे जो आकाश है उसके ऊपर एक दीवार का प्लास्टर था वो कंप्लीट हो गया। छोटी मोटी रिपेयरिंग थी वो इन्होंने कर ली है, आज पुट्टी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और लेकर के आए एक तो मैं सुबह रख के गया था पर दो लोग थे तो शायद तक निपटा दिया है, और ये दूसरा। इसमें भी बची हुई है क्या? इसमें थोड़ी बची हुई है। तो अभी मलकान जी एक लेकर के आए थे क्या पुट्टी का कट्टा? हाँ वो एक तो मैं सुबह लाके यहाँ रखा था, वो उठ गया, अभी ये नया लाया थी। तो एक बार अब घर पे जाते हैं, खाना वाना खा के वापिस पे आते हैं। बोतल ले ली यहाँ से? आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस से यही साइड से ही व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्या हुआ कि कल जो है मैं यहाँ से गया, उसके बाद वापस शूट करने का टाइम नहीं मिला। यहाँ से मैं गया था सीमेंट के कट्टे देने, पर वहां जाते ही बारिश इतनी तेज आ गई कि वो ला ही नहीं पाया। तो उसके बाद वापस कोचिंग चला गया और टाइम मिला नहीं ब्लॉग को कंटिन्यू करने का। तो आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस यही साइड पे आया हुआ हूँ। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, आप देख सकते हो हल्की हल्की बारिश हो रही है। सो इस वजह से मैं केवल मम्मी को छोड़ने के लिए आया था। तो अभी आज कारीगर का तो काम हमने स्टॉप रखा है, क्योंकि हमारे काम बचा हुआ है थोड़ा ऊपर छत पे, और छत पे काम हो नहीं सकता, बारिश से जो है कंटिन्यूसली आ रही है सुबह 4 बजे से, और हल्की हल्की बूंदे आ रही है, पर काम इसमें हो नहीं पाएगा। अभी केवल आज पुट्टी वाले आने वाले और घिसाई वाले कल तो नहीं आया था, पर आज अगर आ जाता है नहीं तो अभी थोड़ी देर में मैं कॉल लगा दूंगा। तो अभी मैं बस निकलता हूँ घर के लिए, क्योंकि मैं कॉलेज के लिए निकलना है। तो चलते हैं अब यहाँ से, मम्मी को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है मैं निकलता हूँ, ठीक है, फोन है। तो अभी चलते हैं यहाँ से। सुबह सुबह बारिश की वजह से सारा काम आज डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो 2 दिन का काम और था अपने कारीगर का तो हो जाता, पर क्या करें बारिश की वजह से डिले रहेगा। ठीक है 2 दिन बाद हो जाएगा। तो अभी मैं आ गया हूँ कॉलेज और पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और अब जा रहा हूँ डिपार्टमेंट की तरफ। एक्चुअली बारिश सुबह से क्या हाल कर रखा है, बहुत आने घर से आने में भी काफी दिक्कत हुई, और डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं, थोड़ा जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। और बारिश भी ऐसा है कि तेज नहीं आ रही है, बिल्कुल धीरे धीरे छींटे, तो मतलब कहीं आ जा नहीं सकते, कुछ काम नहीं हो सकता, मतलब तेज आए बारिश तो उससे थोड़ा फायदा, पर केवल ऐसे बूंदाबांदी हो रही है। तो अभी मैं आ गया था डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट लाइब्रेरी में बैठा हुआ, ये हमारे डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे बैठा हुआ हूँ और थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि क्लास तो है 11 बजे अपनी। तो आज के ब्लॉग को अपन यहीं पे एंड करते हैं, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, कल से मैंने स्टार्ट किया था
कल कॉलेज से ही स्टार्ट किया था, आज कॉलेज में ही वापस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।